हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हेयर पैक। ये पैक बहुत ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग मेहंदी नहीं यूज़ करते हैं, जिनके बाल जैसे बहुत ही कम कम वाइट होने शुरू हुए हैं और जिनको जल्दी से जैसे बालों की ग्रोथ बहुत कम हो रही है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या सामान यूज़ किया है। उससे पहले प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखिए। तो आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या सामान यूज़ किया है। मैंने लिए इसमें आम के पत्ते। आम के पत्ते आपको लेने हैं बिल्कुल सॉफ्ट वाले, एक बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके, क्या ये जो डंडी होती है तो ये बहुत हार्ड होती है, तो ये क्या मिक्सी में नहीं पिसती अच्छे से। आपको क्या करना, थोड़े सॉफ्ट पत्ते लेने हैं, सॉफ्ट पत्ते बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और लिए है मैंने कलौंजी। वैसे तो क्या है, आम के पत्ते ही बालों के लिए काफ़ी होते हैं एक अकेली चीज़, लेकिन क्या है अगर इसमें कलौंजी मिला देंगे तो क्या आपके बाल और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और ये उन लोगों के लिए है जैसे जो लोग मेहंदी नहीं लगाते हैं यूजली, और जिनको लगता है कि बाल वाइट हो रहे हैं और ये यहीं होने रुक जाएं वाइट और आगे से ना हो, और जो वाइट हैं वो ब्लैक हो जाएं, और जिनके बाल क्या है बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो आपको क्या है, सिर्फ आम के पत्ते ही आपके बालों के लिए इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इनमें इतना ज़्यादा विटामिन सी होता है आपके बालों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपके बालों को हेल्दी रखता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या कैसे करना है। देखिए ये मैं ले लेती हूँ जार में ये आम के पत्ते। आपको क्या है इनको पीसना है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, आम के पत्ते आपको पीसने हैं इसमें। और ये जो एक चम्मच कलौंजी पाउडर है, मैं कलौंजी पाउडर भी पूरा ले लेती हूँ इसमें, और इसको मैं पीस देती हूँ, इसका एक पेस्ट बना देती हूँ जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको इसका पेस्ट बना के दिखा देती हूँ। देखिए एक मिनट, ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पेस्ट थोड़ा मोटा हो गया। देखिए ये थोड़ा इतना मोटा है, तो इसको क्या करना है आपको थोड़ा और बारीक करना है, क्योंकि नहीं तो ये बालों में जाएगा नहीं, अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको और बारीक इसका पेस्ट बनाना है। अभी ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका पेस्ट मैंने बनाया है इसको बारीक, और ये इसमें मैंने डाली है कलौंजी। देखिए ये इतना बारीक पेस्ट हो गया है। अब इसको क्या करना है आपको, आप बाल धोने से एक घंटा पहले बालों में लगाइए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उनके बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं कम एज में। और इसको क्या है, इसकी खुशबू भी बहुत बिल्कुल आम के जैसी आ रही, जैसे आम की होती है ना, क्योंकि कच्चे पत्ते हैं ये, और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनके बाल बहुत जल्दी एज में वाइट हो जाते हैं, और जो लोग मेहंदी अवॉइड करते हैं, क्योंकि मेहंदी से क्या होता है बालों का कलर थोड़ा रेड हो जाता है, तो रेड कलर क्या हर किसी कोई लाइक नहीं करता है, तो मेहंदी क्या मजबूरी में लोग लगाते हैं क्योंकि उनको बाल अपने जैसे वाइट जाते हैं तो उनमें कलर लगाना होता है या ब्लैक करने होते हैं। तो क्या है, जिन लोगों को मेहंदी नहीं पसंद है वो चाहते हैं कि बाल उनके जैसे हैं वैसे रहें लेकिन ब्लैक हो जाएं, वाइट आगे से ना हो, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसे नहाने से एक घंटा पहले बालों में लगाइए। मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको लगाने का तरीका भी बताऊँगी आपको कैसे लगाना है इसको, क्योंकि इसको रूट्स के अलावा पूरे बालों में भी लगाना है, ये बालों को पूरा पूरा पोषण देगा। और इससे क्या होता है, आपके बाल जिनके जो थोड़े कम होते हैं उससे क्या थोड़े हैवी हो जाते हैं, थोड़े बाउंसी टाइप के हो जाते हैं और बाल को गिरने भी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो ये क्या है आपका एक समझ लीजिए, या तो डाई भी बोल सकते हैं आप इसे, लेकिन क्या ये आपके बालों को डाई मतलब कलर तो नहीं करेगी लेकिन आपके बालों को वाइट नहीं होने देगी, आपके बालों को नहीं गिरने देगी, तो ये बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और इसको रिजल्ट बहुत अच्छा है आप इसे। लेकिन क्या है, जैसे अभी आम का सीज़न है, आम के पत्ते तो हमेशा ही लगे रहते हैं, लेकिन क्या है अभी क्या इस सीज़न में थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो इस क्या है आम के पत्ते बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप इसे क्या है, हमेशा आम के पेड़ पर पत्ते तो हमेशा रहते हैं, तो आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के आसपास आम का पेड़ नहीं है, आपको क्या करना है, आम के सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते लेने हैं, उनको सुखाना है, सुखा करके इसका पाउडर बनाना है। तो जो लोग क्या है जैसे कहीं बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनके क्या घर के आसपास आम नहीं होता, आम के पेड़ नहीं होते, तो वो क्या है कभी कभी जैसे कहीं जा रहे हैं रास्ते में आम तो बहुत लगा रहता है, आप देखना कहीं भी आप जाते हैं तो आपको आम दुनिया भर के आप रोड के किनारे किनारे मिल जाते हैं। तो आप सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते तोड़िए, इसका पाउडर बनाइए, और आपको जब भी ये लगाना हो
तो उसको क्या है, आपको पाउडर बनाकर रखिए इसको थोड़ा सा, इसमें आप जैसे मैंने कलौंजी डाली है, आप इसमें कुछ और भी डाल सकते हो जो आपको, जैसे इसमें आप एलोवेरा डाल सकते हो, एलोवेरा भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो आम अकेला ही बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक दो चीज़ और डालोगे इसमें, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा डाल दोगे तो क्या है, वो आपके बालों को और ज़्यादा अच्छा बना देगा। और आप जैसे संडे के दिन जो लोग घर में रहते हैं, जैसे छुट्टी होती है बच्चों की या जो ऑफिस जाने वाले होते हैं, तो उन लोगों क्या, आजकल तो 6-7 में पढ़ने वाले बच्चों के बाल भी बहुत ज़्यादा वाइट होने लगे हैं, क्योंकि अभी ऐसा टाइम जो आ गया है कि लोग क्या थोड़ा सा टेंशन लेते हैं, खाना ऐसा हो गया, पोल्यूशन इतना हो रहा है, तो बाल क्या जल्दी से वाइट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं मेहंदी अवॉइड करते हैं, तो उनको क्या है, जैसे नहाने से 1 घंटा पहले लगाना है, और इतना ये बालों में इतना अच्छा आपके बालों को कर देगा। तो आप इसे क्या है थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे, जैसे 15-15 दिन में, उसके बाद थोड़ा 1-1 महीने में भी लगाएंगे, तो ये आपके बालों को कभी भी वाइट नहीं होने देगा, आपके बालों को हमेशा काला रखेगा और गिरने से बचाएगा। और ये बहुत ही सस्ती चीज़ है, आप देखिए इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं हुआ है। आम के पत्ते आपको जनरली फ्री में कहीं से भी मिल जाएंगे, आप ऐसे भी तोड़ सकते हो। तो उसमें क्या है, ये आपको ज़्यादा आपको मतलब सस्ती चीज़ है, आपके बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं तो इसे बिल्कुल ट्राई करती हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है ये। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक यू।